मीरा भाईंदर के गोल्डन नेस्ट में स्थित आजाद मैदान में आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। यह आग एक झुग्गी बस्ती में लगी है। वही बताया गया है कि इस आग में कई दुकानें नष्ट हो गई है। इस आग में कई लोग घायल भी बताया गया है। वही मीरा भाईंदर के आयुक्त संजय काटकार ने कहा कि घटना सुबह करीब 5 बजे के आसपास की है। हम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद नगर गोल्डन नेस्ट सर्कल में आज सुबह 5 के आसपास जो आग लगी है, उस आग को नियंत्रण में लाने के लिए मीरा भाईंदर महापालिका पूरी कोशिश कर रही है। और इस कोशिश के बदौलत हमने फायर ब्रिगेड कॉल देके मुंबई महापालिका से 7, थाना महापालिका से 4, मीरा भाईंदर वसई विरार महापालिका से 3, ऐसे टोटल 24 अग्निशमन बम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर है और मुझे विश्वास है कि अगले 1 घंटे में 9 बजे तक ये पूरी आग कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई जीवित हानि या कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑपरेशन चलाते वक्त हमारा एक जवान थोड़ा जख्मी हुआ है, जिसको हमने तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट। वही घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश कर रही है। वही घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से पूरे इलाके में धुआं धुआं छा गया। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक।